मगर हम लोगों ने संविधान के दायरे में रहकर काम करने का निर्णय किया। हम जब हमारे बाप ने संविधान लिखा उसको हम नहीं मानेंगे तो दूसरे लोग क्यों मानेंगे? हमको मानना होगा। तो हम मान रहे, संविधान को मान करके काम कर रहे, कोई हिंसा नहीं कर रहे, कोई अत्याचार नहीं कर रहे हैं। संविधान ने आर्टिकल 19 में अधिकार दिया, आप अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार कर सकते हो, हिंसा नहीं करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से करना होगा, शांतिपूर्ण तरीके से करें। मैं आपको बातें समझ में आ जाए इसलिए बता रहा हूं, सबूत के साथ बता रहा हूं, क्योंकि मेरी आदत है सबूतों के साथ बात करनी। तो इससे सिद्ध होता है कि हम ऐसा कोई काम नहीं कर रहे हैं, और जो हमारी बात सुनने वाले जो हमारे कार्यकर्ता है उनको ऐसी कोई शिक्षा नहीं दे रहे हैं, ऐसा कोई एजुकेशन, ऐसी कोई जागृति नहीं कर रहे हैं, न प्राइवेट में कर रहे हैं न पब्लिक में कर रहे हैं, जिससे लोग उत्तेजित होकर ब्राह्मण को धरे, बांधे, पीटे, हत्या होने तक उसकी पिटाई करते रहे, ऐसी कोई शिक्षा हम लोगों को नहीं दे रहे, क्योंकि ऐसी कोई घटना हुई ही नहीं भारत में आज तक। किसी भामसेन के कार्यकर्ता को, मगर अजमेर में आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, आरएसएस के लिए रिकॉर्ड में बोल रहा हूं, आरएसएस के कार्यकर्ता को आजीवन कारावास हुआ, आजीवन कारावास हुआ। इसका मतलब यह है कि देश की जो जुडिशियरी है वो ये मानती है कि ये लोग गैर कानूनी कामों में शामिल है। आजीवन कारावास, तो आजीवन कारावास का मतलब समझते हो, डेड बॉडी बाहर आए, है? नहीं समझते? आजीवन कारावास का मतलब है उसकी डेड बॉडी बाहर आएगी। ये शिक्षा दी जुडिशियरी ने, हमारे ऊपर तो एफआईआर भी नहीं है, पवन मेश्राम के ऊपर एफआईआर नहीं है। मैंने ही गुजरात के असिस्टेंट पुलिस कमिश्नर पर 2 केस हाईकोर्ट में डाल दिया, अभी तक पुलिस वाला जवाब नहीं दे पाया। अब वो कोई शांडिल नाम का ब्राह्मण जो है, अभी वो हमारे पास रिकॉर्ड है, वो मीना जो हमारा ट्राइब है राजस्थान का, उसको बोल रहा है कि मीना जी वामन मिश्राम पर एफआईआर दाखिल करो, एफआईआर दाखिल करो, ऐसा बोलो। अब मीना को मालूम है कि कोई सलाह आधार नहीं है वामन मिश्राम के खिलाफ एफआईआर दाखिल करने, कोई आधार होना चाहिए। तो क्या बोल रहा है? हाँ नोटिस दिया है, नोटिस दिया है। क्या बोल रहा है? नोटिस दिया है। अब उसको एफआईआर और नोटिस का फर्क भी छानने को समझ में आता कि नहीं, तो समझ में नहीं आता मुझे कि नोटिस का। और अब वो जो मीना है उसे नोटिस दिया ऐसा क्यों कह रहा है? उसको शांत कर, हाँ नोटिस दिया है, आप चिंता मत करो, नोटिस दिया है, 27 समाप्त हो जाएगी, वो लोग भी शांत हो जाएंगे, हमारा कार्यक्रम भी समाप्त हो जाएगा, वो भी एफआईआर दाखिल करने के बारे में फिर दोबारा नहीं बोलेंगे। पुलिस वाले के पास अगर चांदी ले गए तो वो उनको ही पूछेंगे क्या है सबूत एफआईआर के लिए। अमन मिश्राम गुजरात में डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस, मेरे नाम से किसी ने कहा ऐसा, तो कहा कि कौन है वो जानते हो? अमन मिश्राम को नहीं जानते हो? नेशनल प्रेसिडेंट है वो, पता है तुमको? हेलो बैठवा, तो मैं कोई भी बात जो है कानून और संविधान के दायरे में रहकर करता हूं। उन्होंने उल्लंघन किया, उन्होंने उल्लंघन किया तो हाईकोर्ट में पुलिस वालों के खिलाफ भी दायर करूंगा। ये मैं ऐलान करता हूं कि पुलिस वालों के खिलाफ में कि उन्होंने गैर कानूनी
गैर संवैधानिक तरीके से हॉल वाले पर प्रेशर दिया, दोनों हॉल को रद्द करवाया। हमारे पास डॉक्यूमेंट्री एविडेंस है, वो प्रशासन के खिलाफ में मैं हाईकोर्ट में केस दायर करूंगा, मेरे पास सबूत है। जब मैं हाईकोर्ट में केस दायर करूंगा तो डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो जाएगा कि वामन मेचराम तो कानून और संविधान के दायरे में रहकर काम कर रहा है, वो कानून हाथ में नहीं ले रहा है बल्कि जुडिशियरी को कह रहा है आप डिसाइड करो गैर कानूनी कौन कर रहा है, मैं तो संविधान को मान करके आप रहा। वो लोग मेरे आर्टिकल 19 का उल्लंघन किया, ये केस मैं करूंगा और हाईकोर्ट को कहूंगा कि उन्होंने मुझे रोहतक में कार्यक्रम करने नहीं दिया, ये गलत है सही है उसके लिए 2-4 साल लग जाएंगे आप लोगों को फैसला करने के लिए, मगर मुझे कार्यक्रम करने की पहले अनुमति दे दो, केस बाद में तुम फैसला के लिए लगाओ 4 साल, मगर अभी मुझे 8 दिन 15 दिन 1 महीने में कार्यक्रम करने के लिए अनुमति दे दो, तो मेरा डॉक्यूमेंट्री जाएगा हाईकोर्ट में। ये तो संविधान को मान करके हमको अनुमति मान रहा, पुलिस वाले मना कर रहे तो वो हाईकोर्ट को बोल रहा भाई हमको अनुमति दे दो, डॉक्यूमेंट्री प्रूव हो जाएगा कि हम कानून मान करके चल रहे हैं और वो जबरदस्ती कर नहीं करने देंगे। खुशी की बात जानते हो क्या है, खुशी की बात एक भी गैर ब्राह्मण उनके समर्थन में खड़ा नहीं है, खुशी की बात आप लोगों को। बहुत सारे लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, हम लोगों को जो बातें समझ में आती है,